इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उत्तर प्रदेश को लेकर दिल्ली तक बहुत हलचल है तो राजस्थान के अंदर कांग्रेस में टेंशन बहुत हाई है। सचिन पायलट वर्सेस गहलोत के सियासी घमासान का राउंड टू शुरू हो गया है। सचिन पायलट के समर्थकों के बागी रुख के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंत्रियों और विधायकों पर नजर रखनी शुरू कर दी है। मंत्रियों और विधायकों से कहा गया है कि वो अपने पीए को हर मूवमेंट की जानकारी देते रहें, प्रोग्राम और यहां तक कि लोकेशन की डिटेल भी बताते रहें। दूसरी और बड़ी खबर यह है कि नाराज सचिन पायलट आज दिल्ली आ रहे हैं जहां पार्टी हाईकमान से उनकी मुलाकात हो सकती है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी और सचिन पायलट की मीटिंग का समय अभी तय नहीं किया गया है। सचिन पायलट भी पूरे एक्शन में हैं, लगातार मीटिंग कर रहे हैं। कल उन्होंने अपने विधायकों के साथ बैठक की। अब से थोड़ी देर पहले दौसा में उन्होंने अपने पिता को पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। थोड़ी देर में आज वो महंगाई पर कांग्रेस के प्रदर्शन में शामिल होंगे। इसके बाद शाम 4 बजे तक वो दिल्ली आ सकते हैं जहां हाईकमान से उनकी मुलाकात होनी है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हमारे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य का। मनीष, राजनीतिक रूप से आज का दिन तो बहुत ही एक्टिव है, इस लिहाज से कहा जा सकता है कि सचिन पायलट दिल्ली आ रहे हैं, उनकी हाईकमान से मुलाकात होनी है। देखिए, बिल्कुल, सचिन पायलट दिल्ली जा रहे हैं और ये माना जा सकता है कि आला कमान से उनकी मीटिंग हो। कुल मिलाकर जो डेडलॉक फंसा हुआ है कि सत्ता में भागीदारी किसी न किसी तरीके से सचिन पायलट के समर्थक जो विधायक हैं उनको मिले, और इसी बात को लेकर ही पूरा पेच राजस्थान में फंसा हुआ है। और यही वजह है कि पहले भी शिकायत सचिन पायलट ने आलाकमान से की थी कि भाई हमारे जितने भी समर्थित विधायक हैं उनको इस कैबिनेट में जगह मिले, गहलोत सरकार में उनकी सुनवाई हो, सारे काम हो, और यही बात अभी तक के फंसी हुई है। और यही बात फिर से सचिन पायलट संभवतः आलाकमान के सामने रखेंगे, और यही वजह है कि अभी थोड़ी देर पहले एक विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे और उसके बाद यहां से सीधे दिल्ली रवाना हो जाएंगे। हालांकि अभी समय उनको फिलहाल नहीं मिल पाया है, लेकिन ये जरूर माना जा रहा है कि दिल्ली में शीर्ष आलाकमान व अन्य नेताओं से, अजय माकन से भी उनकी मुलाकात हो सकती है, वेणुगोपाल से भी वो मुलाकात करेंगे, और राजस्थान में जो राजनीतिक अभी जो हलचल चल रही है। मनीष, कहा जा सकता है कि अगर राजस्थान सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाता है और उसमें सचिन पायलट कूट के लोगों को जगह मिल जाती है तो ये कलह यहीं खत्म हो जाएगी, नहीं तो फिर हम वापस से पिछले साल वाला चैप्टर एक बार फिर से पढ़ेंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका मनीष। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।